देश भर में स्वच्छता सर्वेक्षण में सिरमौर बने इंदौर अब हर क्षेत्र में कामयाबी की नई इबारत लिख रहा है। स्वच्छता और यातायात में नंबर वन बनने के बाद अब अनाज मंडी में राजस्व वसूलने के मामले में इंदौर प्रदेश भर में नंबर वन पायदान पर है। बताया जा रहा है कि इंदौर की मंडियों ने प्रदेश की सभी मंडियों को पछाड़ते हुए 3 करोड़ से भी अधिक का राजस्व इकट्ठा किया है, जिसके चलते तीनों मंडियों ने इस रिकॉर्ड को अपने नाम किया। वहीं इंदौर की लक्ष्मीबाई मंडी में 3,000 पंजीकृत किसान हैं तो 5 लाख से अधिक अपंजीकृत किसान, जबकि इस बार मंडी में तकरीबन 3,33,000 क्विंटल गेहूँ मंडी में आया, जो कि प्रदेश की सभी मंडियों में सबसे अधिक है। आपको बता दें कि यह प्रदेश की एकमात्र मंडी है जहाँ इतनी अधिक तादाद में गेहूँ किसानों द्वारा लाया गया है। आए तो होगी इस महीने में अप्रैल में 3 करोड़ 100 करोड़ गए तीनों मंडी की मिला तो लक्ष्मीबाई मंडी में अभी तक 3,33,541 क्विंटल गेहूँ आ चुका है। 26 तारीख से 26/3 से लेकर जब से ये जय किसान समृद्धि योजना लागू हुई है तब से 3,33,541 क्विंटल आ गया है। इसमें सब अलग अलग विषय पंजीकृत किसानों की संख्या है इसमें 9,340 है ना, वो पंजीकृत किसानों का वजन है 1,54,910 क्विंटल। इंदौर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।